हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है एंड हम लोग आए हैं बाहर। तो यहाँ पे देखिए दिवाली की रौनक, हर जगह पे दिवाली का सामान मिल रहा है, चाहे कोई भी सुपरमार्केट हो, मंदिर में स्पेशली जो मतलब इंडियन सारे सामान रखते हैं वो हो, कहीं पे भी आपको सारा दिवाली का सामान ही मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ आज दिए एंड चीत देखने आए थे, लाइट्स तो लाइट्स इतने अच्छे मिले नहीं, तो हम लोग बस दिए लेके एंड यहाँ पे कुछ आज और डेकोरेशन का सामान लेके बस हम लोग अभी निकल रहे हैं। हमारे कुछ आज फ्रेंड्स के घर आज जाएंगे दिवाली देने के लिए एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बरदुबई साइड में कैसी रौनक लगी है दिवाली के लिए, कितने अच्छे से सब ने डेकोरेशन किया है। तो गाइस, ये है दिवाली की रौनक दुबई में। गाइस, दिवाली की रौनक चली रही है, ये बेचारी तोतली हो गई है इतनी रौनक देखकर। मैं ना ये क्लिप 4 बार ले चुकी हूँ टेक में। तोतली मैं डलवाता हूँ 4 बार टेक में, कितनी तोतली हो गई मेरे लिए। मतलब ये हम लोग एक ही एरिया में खड़े हैं, बाकी सारी जगह पे ऐसी रौनक है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो कि दुबई में हो। मैं भी और आपको दिखाती हूँ। टेक पूरा कर लिया, यही लाइन ये नहीं बोल पा रही थी कि इंडिया में है कि दुबई में है। फाइनली इसने बोल दिया। तो चले गए हम लोग गिफ्ट्स देने आए हैं, वो एक घर में गिफ्ट देके फिर निकल गए। कैसे हैं आप? आज है नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे कैसे, आज तो टुडे है। मतलब कल से ब्लॉग स्टार्ट है। तो कल से नेक्स्ट डे कर दिया तुमने। गॉगल्स, यू नो नीड गॉगल्स बेबी, इट्स नॉट सनी, इट्स ओनली हनी एंड बनी, नो सनी। ओके सो गाइस, आज सुबह से थोड़ा सा बिजी मत इन सेंस न्यूज चैनल में, बहुत दिनों से मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ इस मतलब इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर जिनका ओपिनियन मैच नहीं करता फिर वो गंदा गंदा कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं टॉप ये सब बारे में बात नहीं करती हूँ। बट आप लोगों में से बहुत लोगों को पता कि मैं वो उस केस को बहुत दिनों से फॉलो करती आ रही हूँ एंड आज बिना बोले रह नहीं पा रही हूँ। चलो, बहुत अच्छा हुआ, मतलब बहुत सारी जगह पे आज दिवाली जैसा वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छा लगा, जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है। चलो एनीवेज, अभी हम लोग निकल रहे हैं, जो जैसे कि मैंने बताया था ना कि कल मेरा वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला है, तो वीज़ा रिन्यूअल के लिए मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? नहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करके है, वहीं पे होना है। तो बस उसका रिपोर्ट आ जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट, देन फिर आपका वीज़ा जो है वो रिन्यू हो जाता है, फिर आपका नया मेरिट्स आईडी वगैरह वो सब आता है, जो कि फिर 2 साल के लिए वैलिडेट होता है। बस यही है। तो जीत ऑफिस से बस थोड़े टाइम के लिए आए हैं ये काम निपटाने के लिए, क्योंकि उन्हीं के वीजा पे मैं हूँ। अच्छा बोल रहे ना, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं इसका ब्लॉग लाइव देख रहा हूँ। मतलब उन्हीं के वीजा पे मैं हूँ, मुझे उन्होंने स्पॉन्सर किया है, हम तीनों को स्पॉन्सर किया, मुझे इसने अपने घर में रहने दिया है और मैंने इसलिए इसको अपना वीजा दिया है, तो दोनों एक दूसरे के उस पे हैं। तीनों का वीजा उन्होंने स्पॉन्सर किया है। अच्छा, क्या बात कर रही है, मुझे पता ही नहीं था। हनी बनी का नेक्स्ट ईयर है ना शायद। अरे मैं इतना अच्छे घर में मुझे रहने के लिए दिया है, उसमें खाना वाना खिलाते रहते, मुझे इतना बढ़िया बढ़िया सा अच्छा अच्छा फीलर होता है मेरे पेट को, डेली डेली आओ तो कुछ ना कुछ नया बढ़िया बढ़िया, समझ रहे ना, पकवान वकवान मिलता है तो
तो ये तो छोटी सी चीज है, मैं तो भैया छोड़ो चलो वीजा वीजा स्पॉन्सर कर दो इसका। तो बहुत लोग पूछते हैं कि कितना क्या पैसा लगता है वीजा स्पॉन्सर होने का, तो उसका देखते हैं हम लोग बाद में कभी वीडियो बनाएंगे उससे रिलेटेड। ऐसे ऑन एन एवरेज कितना पड़ता है पूरा एमिरेट्स आईडी मेडिकल वो सब करके? डिपेंड करता है, मतलब इसमें मेडिकल दो तीन तरह के होते हैं, तो मैं कभी डिटेल्स में बताऊंगा। आप मान के चले 1200 दिरहम से लेकर 1500-1600 दिरहम के बीच में थे। 1200 मतलब 24,000 रुपए हो गए 1600 दिरहम मतलब 32,000 का दो साल का वीजा रिन्यूअल के लिए लगता है अब INR में मान के लो 25-30 हजार। तो बस यही है, अभी निकल रहे हैं, चलो मेडिकल वगैरह कराते हैं, अभी खून चूस लेंगे बहुत सारे, और मैंने बाल हेयर वॉश किया है, झाड़ियां गीली क्यों रखी है, गीली हो रही क्योंकि हेयर वॉश किया है मैंने। तो चलिए फिर पार्लर पे कर दी थी, पैसे बचा लिए इस बार तुमने। पैसे नहीं है तो क्या करूं, एंड ये रहे मेरे अनमोल रतन। देखा चुपचाप से जो हल्का सा प्लेस करते ना, पैसे नहीं है ये सब, ये मेरे ऊपर क्योंकि सुबह से झगड़ा चल रहा था, सुबह से झगड़ा नहीं, मैं गुस्सा हूँ, मैंने बहुत दिनों से अमेजोन कार्ट में कुछ ऐड करके रखा था। चल ठीक है, ऑन फोन में बोलता हूँ, तेरा 1500 रुपए का नुकसान हुआ है, तेरे को मैं 5000 रुपए का वो देता हूँ वरदान। ठीक है मुझे मिंत्रा से लेना है, ठीक है। देखा अब अब हो गया झगड़ा खत्म, अब इसके पास आगे पैसे। अगर तू से हाय अच्छा, तो मुझे पता ही नहीं था कि तू ऐसे झगड़ा करके बैठी है। हाँ, आपको तो पता नहीं चलता है कि बीवी किस वजह से गुस्सा है, उस टाइम खत्म हो गया गुस्से का रीजन भी पता नहीं होता है उनको, तो गुस्सा कैसे करे इंसान। सबसे बेस्ट है प्रिटेंड करो कि कुछ नहीं मालूम। हाँ भाई प्रिटेंड, बट मालूम सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, ऐसे ही खाली मैं बोलती हूँ बाबा विष्णु जी, मालूम सब कुछ होता है बट प्रिटेंड। ये ना मेहंदी जब छूटती है ना, इतना इरिटेशन मुझे होता है, जैसे हाथ जैसे मतलब जैसे खुजली जैसे हो रही हो किसी को, जैसे किसी उससे धार उससे करो ना खुजली, वैसे जब खुजली होती है तो फिर तो पता ना एक आध चपेट पड़ती है तो खुजली मिट जाती है, वो वाली खुजली तो नहीं है। वो तो है, अभी तो वो फिलहाल बहुत जोरों से हो रही है। तो चलेगा यहीं पे, नहीं अभी आगे कहीं पे, मैं थोड़ा सा वो लगाऊं, ये इस बिल्डिंग के पीछे आगे की तरफ हो गई है। तो चलिए गाइस मेडिकल वगैरह करके फिर मिलती हूँ आपसे बाद में ही। बाय सो बाय यू फिनिश योर केक, फिनिश योर केक। टू हाउ इट विल बी बेटर, इट विल बी बेटर सून, बट हाउ यू डू फंकी, how to be better funky so guys आ गए हैं वापस, तो बहुत दर्द हुआ। एक्चुअली मैं ऐसे नहीं हूँ कि मुझे इंजेक्शन हो या ब्लड टेस्ट हो या सुई से ऐसा डर लगता हो, वैसा नहीं है। एक्चुअली मेरा ना वो मतलब नर्व इतना क्लियर दिखता नहीं है, हमेशा जब भी मेरा कोई ब्लड टेस्ट वगैरह होता है ना तो डॉक्टर थोड़ा ऐसे ढूंढ के निकालता है। नॉर्मली इस हाथ से मेरे लेफ्ट हैंड से दिख जाता है, राइट हैंड पे इतना पता नहीं चलता है। तो उसने जब डाला ना सुई, मुझे लगा कि शायद हाँ पता चल रहा होगा उसको, बट उसमें उसने नर्व में नहीं डाला था, मतलब मसल्स में डाल दिया, शायद उसमें ब्लड नहीं निकालता। वो अंदर बाहर सुई को इतना किया, बहुत ज़्यादा पेन, फिर दूसरी तरफ इस तरफ को हुआ ही नहीं, फिर दूसरे तरफ से निकाला। तो ये इतना कुछ नहीं, ये वाला जो अंदर बाहर कर करके यहाँ पे पूरा रैशेस वगैरह वो हो गया है। एनीवे चलिए अभी हम लोग खाना वाना खाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग को। सो गाइस यहाँ पे हम लोग एक शॉप इनॉग्रेशन पे आए हैं, ये 3-4 दिन पहले का क्लिप है। शॉप का नाम है दी मीट हब, ये जीत के कलिक का शॉप है। अगर आपने मेरे ब्लॉग्स में सानवी को देखा होगा काफ़ी बार हनी बनी के साथ में खेलते हुए, तो उन्हीं का ही शॉप है ये। तो सानवी के मम्मी ने ये वाला शॉप जो है ये ओपन किया हुआ है, जैसे कि नाम है दी मीट हब, तो यहाँ पे बस वही चिकन मटन बीफ एंड सी फूड वगैरह, जैसे फिश हो गया, प्रॉन्स श्रिम्स एंड बहुत कुछ ऐसे सी फूड उन्होंने रखा है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया है, हाइजीन लेवल बहुत अच्छा है। तो मनखूल जो एरिया है ना, न्यू मनखूल एरिया, गजीबो कामत रेस्टोरेंट अगर आपने देखा होगा तो उसी लेन में एंड की तरफ को ये वाला शॉप उन्होंने ओपन किया है।
तो पहले रिबन कटिंग हो गई, देन यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है। तो सारे ऑफिस के कलीग्स ही इकट्ठा हुए हैं एंड उन्होंने स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट भी किया था, तो एक छोटी सी स्नैक्स पार्टी भी हो गई, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो यहाँ पे हम लोग आए थे ये जो इनॉग्रेशन पे, एंड सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस वाले शॉप का जो है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, नाइफ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं एंड चॉपिंग बोर्ड भी उन्होंने उसी कलर का बनाया है, सारा कस्टमाइज उन्होंने बनाया है कि जैसे चिकन एक कलर नाइफ एंड एक ही सेम कलर चॉपिंग बोर्ड में ही कटेगा, तो किसी के साथ कुछ भी मिक्स नहीं होगा, क्योंकि किसी किसी को परहेज होता है ना, तो मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कलर जो है वो डिफरेंट रखा है। साथ में यहाँ पे देखिए सारा मैरिनेशन का सामान भी मिल रहा है, चिकन का मटन का, तो बस आपको लेके जाना है, बारबेक्यू आराम से करना है। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे इंडियन मटन भी मिलता है, काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि इंडियन मटन कहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे इंडियन मटन, पाकिस्तानी मटन सब कुछ मिल जाता है। तो सभी लोग गए थे ऑफिस के लोग, तो सब ने कुछ कुछ बाय किया था, तो हमने मटन लेके आए थे हम लोग वहाँ से। तो बट उसके बाद मंडे ट्यूसडे हो गया था, हम लोगों ने बनाया नहीं था, तो आज मैं बना रही थी मटन, तो सोचा ये वाला क्लिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो गाइस, मटन को मैंने फ्रिजर में रख दिया था, आज मैं बना रही हूँ। आई थिंक एक महीने के बाद हमारे घर में नॉनवेज बन रहा है, मतलब नवरात्र के पहले बना था हमारे घर में नॉनवेज, उसके बाद बना नहीं था। तो मटन की रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की हुई है, तो आज डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि ऐसे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, देन उसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए, प्याज को भून लिया, देन उसमें मटन ऐड करके मैंने 5 मिनट करीब भुना है, देन उसमें जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करके उसको अगेन 5 मिनट भुना, देन उसमें बेसिक पाउडर मसाला जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर एंड मीट मसाला एंड टमाटर ऐड करके उसको करीब आधे घंटे से 45 मिनट्स तक भुना था, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए एंड मटन भी थोड़ा सा गल ना जाए एंड जो मसाले का रॉ फ्लेवर है वो चला ना जाए। देन इसमें मैंने आलू फ्राई करके रखा था वो ऐड कर दिया, पानी ऐड करूंगी एंड 3 से 4 सीटी लगा दूंगी। दिवाली एंड तक आप मार्केट में ही रहोगे। हमेशा मैं हर साल प्लानिंग करती हूँ कि पहले से सारा काम निपट जाए, जब गिफ्ट लेने की बारी आएगी, दिवाली देने की बारी है, तब बोलेंगे हाँ बस मेरे ये हो गए, इतना ही लेना है, 6-7 बस हो गए। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगा, अरे उसका तो लिस्ट में डाला ही नहीं था, वो भी तो है, ये भी तो है, वही तो। फिर से आज हम लोग गए थे दिवाली गिफ्ट लेने, फिर से ऐसे ऐसे डब्बे ढेर सारे लेके आए, ढेर सारे मतलब 5 डब्बे फिर आए हैं ये, फिर मतलब बांटोगे कब पता नहीं, सब पड़े हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर बांटना है नहीं, बस लेके आ रहे हैं। अरे गिफ्ट रैप नहीं लाए, ऐसे ही दे देना बस, गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। तो ये फिर से लेके आए हैं, देन रंगोली लेके आए, रंगोली मतलब अच्छा हमारे बिल्डिंग के बाद तो रंगोली एंड ये सब पूजा का सामान मंदिर से मैं लेती हूँ हमेशा। बहुत लोग पूछते हैं, शॉप का नाम पूछते, तो शॉप का नाम मुझे पता नहीं, छोटे छोटे शॉप है बहुत सारे, कहीं पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये मौन व्रत धारण करके बैठे, तो इस टाइप की रंगोली एक पैकेट इंडिया में कितना प्राइस आता है? बीवी के आगे कोई आज तक कुछ बोल सका है? देखो अभी जब मैं जब बोले तब नहीं बोला, जब मैंने बात करना स्टार्ट किया तब बोले, बीच में मैं पहले बात कर लूँ फिर आप। तो बोलो इस टाइप का रंगोली का एक पैकेट इंडिया में कितने का आता है बताना, ठीक है? 10 रुपया का, श्योर 20 रुपया हो गया होगा, बहुत ज्यादा यहाँ मतलब इंडिया से लाते हैं, इतनी लूट मचा रखी है, मतलब हर जगह पे क्या मिलता है ना, वो जो गुलाल होता है ना नॉर्मल, जो अच्छे से होता नहीं है वो मिलता है, वो सस्ते में मिलता है। इस टाइप का कलर जो अच्छा वाला होता है ना, 10 ग्राम का एक पैकेट, मतलब इंडिया के पैसे में 200 का। इतना ही लेते होंगे भाई इंडिया में भी, इतने के इंडिया में ये 200 का था भाई, ये फ्लाइट बोर्ड करके बोर्डिंग पास लेकर यहाँ आके
यहाँ से टैक्सी लेकर यहाँ अगर वो होलसेल इंडिया में लाते होंगे 10 रुपीज का, तो यहाँ पे 50 का बेच लो, 100 का बेच लो, 90% तुम मुनाफा कर लो, 200 का। तो तू एक काम करना, यूनियन लीडर बन जा और डिसाइड कर ले सारी चीजें। गुस्सा आता है मुझे, मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग, है ना। बस यही और एक लाइट लेके आए हम लोग बेडरूम के लिए, लाइट लेके आई हूँ मैं। बस खुश हो गई अपनी लाइट वाइट एंड सब चीजों में, बड़ी खुश हो जाती है। तो वो मैं कल दिखाऊंगी आपको, ठीक है। आज ब्लॉग गाड़ी में ही एंड कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों अनमोल रतन मेरे सो गए पीछे देखो कैसे एक इस तरफ एक उस तरफ सो गए। तो चलिए घर चलते हैं हम लोग उनको उठा के। अभी तक खाया नहीं है खाना, जो मटन बनाया था तो वो मटन खाएंगे एंड सोएंगे, ठीक है। एंड मिलेंगे कल आपसे, ठीक है। बाय बाय, कुछ अब बोल दो। बाय बाय, बोलना क्या भाई। चलिए गाइस, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, एंजॉय कीजिए घर में, सो मच ऑफ हैप्पीनेस, सो मच ऑफ हैप्पीनेस। मिठाई बनाइए, मैं बनाऊंगी मिठाई दिवाली के दिन बनाऊंगी। मिठाई बनाइए, रंगोली बनाइए, बस सजाइए घर को, खुद सजिए, सब कुछ बनाइए, पर बेवकूफ मत बनाइए। जैसे मैं इसको बनाता हूँ, ये मुझे बनाती है, आपको मैं नहीं बनाती हूँ। आपने मुझे सुबह जो प्रॉमिस किया था ना, उसको अभी वो करो। चलो वो कर देते हैं। चलिए गाइस, आप लोग टेक केयर कीजिए, एंजॉय कीजिए। मतलब मैं ऐसे घुसी हूँ ना, मेरे चारों तरफ खाली गिफ्ट है, पैरों के नीचे मैं पैर आलती पालती मार के बैठी हूँ। चलो रैपिंग पेपर एक बार ले आते हैं फिर। नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी फिर मत जाओ, कल ले लेना। कल कैसे भाई, कल ही तो देना होगा। अच्छा ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ आपसे।